सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कल ही बोर्ड एग्जाम कैंसिल की डिमांड करी थी। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अभी थोड़ी देर पहले अनुराग कुंडू जो सीबीएसई के एक टाइम चेयरपर्सन भी रह चुके हैं उन्होंने बोर्ड एग्जाम कैंसिल की डिमांड करी है। अभी एट प्रेजेंट अनुराग कुंडू जो दिल्ली के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन की यूनियन है उनके चीफ सेक्रेटरी है और अनुराग कुंडू ने लेटर लिखा है सीबीएसई को कि बोर्ड एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए सीबीएसई को, क्योंकि दिल्ली के अंदर हालात ऐसे नहीं है कि बोर्ड एग्जाम करवा सके। दिल्ली काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इंडिया के अंदर, इसको देखते हुए बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए बोर्ड एग्जाम को एक बार पोस्टपोन या फिर कैंसिल कर देना चाहिए। प्रॉपरली दिल्ली की जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंडर उन्होंने बच्चों के बिहाफ पे लेटर लिखा है सीबीएसई को और कहा है कि बोर्ड एग्जाम को पोस्टपोन या कैंसिल कर दो। तो अब देखो गाइस क्या रिस्पॉन्स आता है। वैसे तो गाइस दिल्ली की जो ये यूनियन है इसको काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है, बाकी सब की डिमांड अलग है। दिल्ली की अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो यूनियन है इन्होंने इन्वॉल्व हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपके बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जो दिल्ली की चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनियन है उन्होंने बोर्ड एग्जाम कैंसिल के लिए पोस्टपोन के लिए लेटर लिखा है सीबीएसई को और बोला है कि जल्दी जल्दी इसके ऊपर कोई फैसला लिया जाए। तो गाइस पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द सीबीएसई की तरफ से कोई रिस्पांस आ सकता है। जैसे कोई रिस्पांस आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अपनी फैमिली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आसिंग घर पर रहो, सेफ रहो।